चलो भाई चलो चलो सब। हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो इस महंगाई के दौर में हर कोई कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से कुछ करके 10-20 रुपए बच जाए। तो इसी सिलसिले में आज हम आए इतवार बाज़ार के, यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं, वरना अब तो हर जगह छोटी सी चीज़ भी 50-60 रुपए की है। इस महंगाई के दौर में अब मुश्किल जीना हो गया, तो हमने कहा थोड़ी सी बचत हो जाए तो इतवार बाज़ार चलते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें 50-60 रुपए के हिसाब से मिलती हैं। आज हमने क्या क्या बाज़ार से ख़रीदा और किस चीज़ की कितनी कितनी कीमतें हैं, आप इस वीडियो में जानिए। हमारे घर में इसको पकाते कैसे? हमारे घर में लगा हुआ ना, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसको पकाते कैसे। क्योंकि हमारे घर में ना चीकू लगा हुआ है, लेकिन वो हमें पता नहीं है कि उसको पकाते कैसे, वो ऐसे ही गल जाता है। मन सही रही है प्रधान को पूरे पूरे आज ये सब्जी का मटर 120 रुपए किलो, मगर दाने का भरा है वो मटर। मैं है डाल दिया के देना शिमला मिर्ची 30 रुपए पाव। सही है तो काफी हवा चली है ना, हवा देने का तो सारा। ये इस चालाक सब्जी वाले को हमने कहा था कि भाई आपने बड़े मतलब बेबी पोटैटो डाले, लेकिन उसने बड़े आलू डाल के कम करके दे दिए 3 किलो। हमने कहा अंकल आप बेबी पोटैटो डाल दें, अंकल ने आगे से जवाब दिया बेटा आलू तो आलू है, बेबी पोटैटो हाँ के दूसरे। आप लोग ऐसे दुकानदारों से मोहतात रहिए। 2 किलो कर दो। आलू क्या रेट है? 2 किलो भाई, 2 किलो भाई, 1.5 किलो पत्ते हैं। नमकीन वो है ये ना ये लो पुराने तो डाल दो, मूली के पत्ते काट के भाई जाए पैसे दे दिया। धनिया पुदीना 10-10 ले लिया साहब कुछ। अम्मी को मैंने बोला था कि अम्मी आपके पास इस तरह की चप्पल पड़ी है, फिर ऐसी चप्पल दोबारा लेने की जरूरत की है,
तो मैंने कहा था बेटा वो चप्पलें भी ख़राब हो चुकी है, तो यहाँ पे मुझे बहुत प्यारी चप्पलें दिख रही हैं, तो अभी मौका है तो ले लेते हैं। बहरहाल यहाँ पे हर दुकान पर मुझे छोटा छोटा बच्चा दुकानदार लिख रहा था। गाइज ऐसे नहीं करना चाहिए, चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन दिलानी चाहिए, मुल्क मजबूत बनाना चाहिए। वो आगे छल्ले वो लेते, ये वो सामने पड़े अंकल, इस तरह का ब्लैक है प्लेन। गाइज ये मुझे कुछ अंगूठियाँ पसंद आ गई थी, मैंने मैं कहा था कि अभी मेरे छल्ले लेने, क्या आज कल हाल को स्कूल में छल्ले पहन के आए थे, बाहर छल्ले पहन के आए थे, तो मुझे छल्ले मिले थे 50 रुपये का था, हाँ 50 का ही था, अभी मुझे 7-8 छल्ले दिखे थे। एक दुकान से पता किया, वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास नहीं है। छोटी सी प्लास्टिक की गुड़िया इसमें महंगाई के दौर में 150 की हो गई है। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था यही कोई 50-60 रुपए की मिलती थी। अंगूठियां ले रहे हो, पेंसिल इतवारों से आ रहे हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं मिला, अभी मैंने कहा इधर इनके पास है ये वाला, ये थोड़ा पतले वाला नहीं है, थोड़ा पतले वाला लड़कियों का होता है, लड़की वो मोटा भी पड़ा है ना, ये तो दूसरी अंगूठियाँ हैं। दिस इज गुड, दिस इज गुड, वो जो छोटे उधर पड़े हैं वो देखो, ये है कितने का भाई? 50 ये कितने का बताया? 1000 रुपये का सूट है, ये है, ये वाला है, ये कलर है, ब्लू है, ये बेबी पिंक है, ये क्या वाला डिज़ाइन है इसी का, ये किसका ये डिज़ाइन है, सारे अलग अलग डिज़ाइन है। इसका पजामा दिखा, इसका 100 वाले भी हैं इधर, 15 वाले पजामा और दुपट्टा, ये भाजी पी के साथ देते हैं दुपट्टे, अगर दुपट्टे के साथ तो 12-13 रुपये का महंगाई, अभी माल जाते ना मार्केट हम लोग, हाँ दूसरे दिन 50 रुपये पर लाजमी खड़े हो, हाँ ये तो बाजार का खर्चा ही पूरा नहीं होता आजकल, लेने वाले अपनी जगह पे मजबूर हैं, बेचने वाले अपनी जगह पे मजबूर हैं। सूट चाहिए आपको? एक मुझे अभी ये है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ये 36-37 का साइज है, ये तो फिर उसको छोटा होगा, बड़ी बच्ची है वो तो यूनिवर्सिटी जाती है, बड़ी है मेरे से लंबा है, आपसे लंबा है, देख लो उसने शॉर्ट का भी फैशन है ना आजकल, लड़के शॉर्ट भी पहनती है, ये तो फ्रॉक से पहले थोड़ा शॉर्ट भी चल जाता है, ये फ्रॉक है ना ये शॉर्ट ही अच्छी लगती है, फिर मैं उसको ना भेजती हूँ, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। कदम कदम बच्चों का टी शर्ट पजामा 10-10 रुपये लगा दिया, 10-10 रुपये लगा दिया, आ जा भाई, आ जा भाई, मदम कमा ले, मदम कमा ले।